युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर दी है। युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष डिंपल कटोच ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर बेरोजगारी, महंगाई व बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस बूथ स्तर तक अभियान छेड़ेगी ताकि केंद्र की मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल सके। युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर दी है। युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष डिंपल कटोच ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर बेरोजगारी, महंगाई व बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस बूथ स्तर तक अभियान छेड़ेगी ताकि केंद्र की मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल सके। पत्रकार वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस ने टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया ताकि बेरोजगार युवा मिस्ड कॉल द्वारा खुद को रजिस्टर कर सके। इस दौरान जिला हमीरपुर के ब्लॉकों के युवा अध्यक्ष भी युवा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव चंद्र राणा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से मौन हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं का ध्यान इधर उधर की बातों में भटकाने का ही प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर बेरोजगारी के हालात हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने ना तो CAA और ना ही NRC और ना ही राम मंदिर की चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी व अमित शाह को बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर हर युवा साथी बेरोजगार है, उसे रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है, ऐसे में युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। है वो 45 साल में सबसे अधिक प्रतिशत में है, लेकिन जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है वो बेरोजगारों की तरफ ध्यान ना देके देश को विभाजित करने वाला जो कानून उन्होंने CAA पास किया है, आज युवा कांग्रेस पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे हमारा जो प्रोग्राम है कि क्यों NRC की जगह क्यों ना जो नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तैयार किए जाए, जो देश के बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर तैयार किए जाए। जब भी सरकार बनी थी तो मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल युवाओं को देंगे। 5 साल बीत गए, 2 करोड़ नौकरी की तो बात हुई नहीं। उसके बजाय जो नोटबंदी जैसे और GST जैसे कानून थे, तो नोटबंदी ने बेरोजगारी को और बढ़ाया। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वहां से जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया। तो आज युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि NRC की जगह क्यों ना नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे रजिस्टर किया जाए। हमारे जो बेरोजगारों की मांग है उन्हें आगे लेके जाया करें। अभी जो देश मुद्दे से गुजर रहा है वो बेरोजगारी है, लेकिन ये सरकार निरंतर मुद्दों से भटका के जो देश को विभाजित और देश में एक असमानता और नफरत का माहौल पैदा करने वाला जो कानून है उसे लेके आई है। तो आज हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, एक टोल फ्री नंबर है, इस पे मिस्ड कॉल करके जितने भी बेरोजगार हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं ताकि युवा कांग्रेस के पास एक आंकड़ा आ सके और सरकार के आगे नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टेब्लिश करने की मांग जोर शोर से रखी जा सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।